नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी और दोस्तों मैं हूं आपके साथ अरविंद सुमन। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ खास चर्चा करूंगा और आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो की भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स और कॉल आते थे कि सर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो का रिजल्ट अब जून में आएगा, तो ये बता दीजिए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो की भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, क्या इसकी प्रोसेस होगी। तो दोस्तों देखिएगा, हम आपको सटीक तरीके से संक्षिप्त में बता देंगे जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती, आपका कोई डाउट्स रहता है, तो दोस्तों हमारे लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन का साइन आता है उस पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट आता है, उस सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि पात्रता परीक्षा में अर्हता, आवेदक जो आवेदक होते हैं रिक्त पदों पर नियोजन के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में प्रमाण पत्र का पंजीयन करा सकेंगे। दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं, उन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का जो पंजीयन यानी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए वो मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सत्यापित करा सकते हैं। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट सत्यापित होते हैं वो मैक्सिमम आपके डाइट कॉलेजेस में होते हैं, जो गवर्नमेंट डाइट कॉलेज होते हैं। कलेक्टर के आदेश अनुसार डाइट कॉलेजों में ये आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, यानी सत्यापन होता है, मतलब वही स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये जो भी आपके सारे प्रमाण पत्रों का सत्यापन आप जिला स्तर पर, आपका जो जिला होगा, जिले में जो कलेक्टेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सत्यापन करने के उपरांत आपको एक ऑनलाइन से एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने कलेक्ट्रेट जाएंगे, मतलब कलेक्टर के द्वारा जिस अधिकारी के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस अधिकारी के पास आप जाएंगे। यदि वो अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित कर देता है तो सत्यापन के बाद आपके लिए एक ऑनलाइन जनरेट हुआ एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों उस रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहेगा, उसके रेफरेंस के माध्यम से तीसरे पॉइंट में बात कहेंगे कि रेफरेंस नंबर जब आपको दोस्तों प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद आपको नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से करना होगा। जो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, यानी आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आपको एमपी ऑनलाइन पर जाकर वहां से आपको नियुक्तिकर्ता अधिकारी के लिए ये ऑनलाइन से करना है, अपने रिक्त पदों के विकल्प का चयन भी करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप पहले पॉइंट में क्या काम करेंगे, आप अपने जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं उन सभी सिलेक्टेड स्टूडेंटों के प्रमाण पत्रों का पंजीयन का सत्यापन हो सकेगा या कराएंगे या करना होगा। दूसरी बात में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे एक कलेक्ट्रेट द्वारा, मतलब जो आपका कलेक्टर होगा, कलेक्टर के द्वारा डाइट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में इसका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद आपको सत्यापन करता जो अधिकारी होगा उसके द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, और वो रेफरेंस नंबर के माध्यम से आपको एमपी ऑनलाइन जाना है। वो एमपी ऑनलाइन पर जाके आपको अपने रिक्त पदों की च्वाइस फिलिंग करनी है। जैसे हम च्वाइस फिलिंग पहले ऑफलाइन करते थे, अब ऑनलाइन होगी, तो हमें च्वाइस फिलिंग करनी है ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के संबंध में मैं थोड़ी सी और बता दूं कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो इनको तैयार रख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले 10th की मार्कशीट जो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएगी, दूसरी अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो आपको किसके लिए आईडी प्रूफ के काम आएंगे, दूसरी बात अपना जो रिजल्ट आएगा दोस्तों आपका डीएड का रिजल्ट आ गया होगा, फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट होगी उसको दोस्तों तैयार कर लीजिए। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है वर्ग दो का, उस वर्ग दो के रिजल्ट के लिए तैयार करके रख लीजिए। आपका ग्रेजुएशन है दोस्तों तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इन दोनों मार्कशीट को आप तैयार करके रख लीजिए। और दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपको वैसे लगता है कभी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे मैक्सिमम जो निम्न कहना चाहिए निम्न जो आय होती है उस आय के संबंध में आते हैं,
उसके क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट वैसे जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप बनवा के रख लीजिए। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके रखना। और दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी अपडेशन होता है तो हम जरूर आपके लिए बताएंगे। और दोस्तों यदि आप इस सारे नियम जो मैंने आपको बताए हैं, इस नियम को आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एमपी ऑनलाइन की एक वेबसाइट दे दी है। उस वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एमपी ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा और जो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तीनों पॉइंट आप वहां से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और दोस्तों फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने नंबर शेयर करना चाहते हैं तो अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं, कहीं कट ऑफ का इशू है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वर्ग तीन के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। दोस्तों यदि आपका वर्ग एक और दो में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने वर्ग तीन की तैयारी में जुट जाइए। हम आपको वर्ग तीन की खासकर मैथ्स, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एनवायरमेंट और हिंदी की आपको तैयारी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।